हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्मार्ट शॉपर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके घर की दीवारों को नया लुक देने के लिए 3D वॉल स्टिकर वॉलपेपर लेकर आई हूँ, जिसे आप खुद ही बहुत आसानी से लगा सकते हैं और सस्ते में अपनी दीवारों को नया लुक दे सकते हैं। देखिए, ये पोर्शन मेरी दीवार का गंदा हो गया है, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इस पूरे पोर्शन में मैं ये 3D वॉल स्टिकर लगाऊंगी, जो ब्रिक के डिजाइन में है। ये 5 मीटर लंबा है और 1.5 फीट चौड़ा है। इसे मैंने अमेज़न से मंगवाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए लगाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे दिखता है। मुझे इस पोर्शन पर वॉल स्टिकर लगाना है। इसके लिए सबसे पहले मैं टेप से इस दीवार का मेजर कर लूंगी, फिर उसी नाप का मैं वॉल स्टिकर काट लूंगी। देखिए, ये पहला पोर्शन मैंने वॉल स्टिकर का काट लिया है। दूसरा पोर्शन काटते समय आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी आपका डिजाइन है वो मैच करे। जैसे मेरे ये ब्रिक का डिजाइन है, तो मैं अपने इन दोनों पोर्शन को देखूंगी कि मेरे ब्रिक जो है वो उनकी लाइंस मिल रही हो और कलर भी मैच कर रहा हूँ। तो अब मैं दूसरा पोर्शन इसके अकॉर्डिंगली काट लूंगी। देखिए, ये मैंने वॉल स्टिकर काट लिए हैं और मैंने इस पे नंबर भी डाल दिया है। फर्स्ट वॉलपेपर की कटिंग, ये सेकंड, और साथ में मैंने एरो भी निशान लगा दिया है एरो का, ताकि ये पता चले कि ये वॉलपेपर मुझे ये ऊपर की साइड से वॉल स्टिकर पे ये पेपर चिपका हुआ है, ये देखिए। तो हमें क्या करना है, ये दोनों साइड से ऊपर की तरफ से थोड़ा थोड़ा हमें छुड़ाना है। तरह से इतना पोर्शन हमें छुड़ाना है और फिर हमें इस तरह से बोर्ड पे लगा देना है और धीरे धीरे नीचे का पेपर हटाते जाना है और ऊपर से प्रेस कर देना है। देखिए, इस पूरी पोर्शन पे मैंने वॉल स्टिकर को लगा दिया है, जो दिखने में अच्छा लग रहा है, दीवार को नया लुक दे रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ये एडिसिव वॉलपेपर अमेज़न पर काफी डिजाइन से मिलते हैं। इसे मैंने 159 रुपीज में मंगवाया है। अगर यही डिजाइन आपको मंगवाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिए रखा है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस एडिसिव वॉलपेपर को दीवार पर लगाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, इसे सीलन वाली दीवार पर ना लगाएं, क्योंकि सीलन वाली दीवार पर ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। दूसरा, दीवारों पर अगर धूल मिट्टी हो तो लगाने से पहले उसे कपड़े से साफ कर लें। तीसरा, इसे अकेले न लगाएं, लगाते समय एक और की हेल्प जरूर ले लें। चौथा, इसे एक ही बार में लगाएं, क्योंकि एक बार चिपकाने के बाद निकालने पर यह खराब हो जाता है। तो देखिए, कितने कम रुपए में, कितने कम समय में हम अपने आप अपनी दीवार का लुक चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।